हेलो फ्रेंड्स, सिमी रूमा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और चटपटी आलू की कचौड़ी, जिनको मैंने एक अलग डिज़ाइन में बनाया है। अगर आप नॉर्मल कचौड़ी खाकर बोर हो गए हैं तो प्लीज़ इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। ये कचौड़ियाँ बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आएंगी। आप इन कचौड़ियों को बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। ये देखने में इतनी सुंदर लगती हैं कि बच्चे इनको बहुत मन से खाएंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि ज़रूरी इंग्रेडिएंट कोई मिस ना हो। तो फिर चलिए आलू की टेस्टी और चटपटी खस्ता कचौड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बर्तन में हम 200 ग्राम मैदा लेंगे। आप अगर मैदा पसंद नहीं करते हैं तो आप इसमें गेहूं का आटा यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिए 200 ग्राम मैदा। और अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच अजवाइन, जिसको हम हथेलियों की सहायता से रगड़ कर डालेंगे। हथेलियों से रगड़ कर डालने से अजवाइन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और अजवाइन हमारे पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम देसी घी। आप देसी घी की जगह रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसमें रिफाइंड का यूज कर रहे हैं तो आप इसमें रिफाइंड थोड़ा कम डालिएगा। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी को मैदा में अच्छे से मिक्स करना है ताकि कचौड़ियाँ हमारी एकदम खस्ता बने। तो ये देखिए, घी और मैदा आपस में अच्छे से मिक्स हो गए हैं और ये अच्छे से बाइंड हो रहे हैं, तो घी इसमें एकदम परफेक्ट है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक टाइट आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। जैसा हम पूड़ियों के लिए आटा तैयार करते हैं, हमें बिल्कुल वैसा ही आटा इन कचौड़ियों के लिए भी तैयार करना है, जिससे कचौड़ियाँ हमारी एकदम खस्ता बने। और पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाएंगे। तो आटा हमारा इकट्ठा हो गया है। अब हम इसको हथेलियों की सहायता से मसल मसल कर चिकना कर लेंगे। इस प्रोसेस को हमें 1 से 2 मिनट तक लगातार करना है, जिससे आटा हमारा अच्छे से चिकना हो जाए। तो आटा हमारा तैयार है। अब हम इसको आधा घंटे के लिए ढककर रख देंगे, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। तो जब तक हमारा आटा अच्छे से सेट हो रहा है, तब तक हम कचौड़ियों के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए एक पैन में हम 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे और इसको गर्म करेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच खड़ी सूखी धनिया। सूखी खड़ी धनिया को हम हथेलियों की सहायता से रगड़ कर डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और साथ में हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच दरदरा पिसा हुआ जीरा और इन सभी चीज़ों को हल्का भून लेंगे। तो जीरा और खड़ी धनिया हमारा अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 हरी मिर्च, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और इसको भी आधा मिनट के लिए भून लेंगे। आधा मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। और फिर हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ी सी हींग। हींग डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप हींग पसंद नहीं करते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और साथ में ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो लाल मिर्च पाउडर कम डालिएगा। अब हम इन सभी चीज़ों को धीमी आंच पर 1 मिनट के लिए भून लेंगे। ध्यान रखिएगा, हमें इनको धीमी आंच पर भूनना है, नहीं तो मसाले हमारे एकदम जल जाएंगे। मैंने यहाँ पर आमचूर पाउडर का प्रयोग आलू डालने के बाद किया है। आप चाहें तो आमचूर पाउडर अभी डाल सकते हैं। तो 1 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। मैंने यहाँ पर 6 से 7 मीडियम साइज़ के आलू का यूज़ किया है, जिनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। बस एक बात का हमें ध्यान रखना है, आलू को हमें मैश करके नहीं डालना है। तो अब हम आलूओं को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम आलू को प्रेस करते हुए मिलाएंगे। अगर आप आलू को पहले से ही मैश करके डालेंगे तो इनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो हम स्पैटुला की सहायता से इनको मैश करते हुए मिलाएंगे। आलू थोड़े से मैश हो जाएंगे और थोड़े छोटे छोटे पीसेस में रहेंगे, जिससे इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम इनको लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये तली में जले ना। तो आलू और मसाले हमारे अच्छे से मिल गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को लो मीडियम कर लेंगे और इनको 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। इनको हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये तली में लगे ना। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर और इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी मटर के दाने। मैंने यहाँ पर फ्रोजन मटर का यूज किया है। अगर आप हरी मटर का यूज कर रहे हैं तो आप उसको बॉईल करके डालें। आप हरी मटर को कुकर में 1 सीटी लगाने तक पका लें। तो कचौड़ियों के लिए स्टफिंग हमारी तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और स्टफिंग को ठंडा कर लेंगे। तो हरी मटर को भी हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है।
तो आधा घंटा हो गया है, आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इतनी बड़ी एक लोई लेंगे और इसको बेल लेंगे। इसको हम चारों तरफ से बराबर बेलेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको इतना बड़ा बेल लिया है और इसको चारों तरफ से बराबर बेला है। अब हम कटोरी की सहायता से इसकी गोल शेप में पूड़ियाँ कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसकी 3 पूड़ियाँ कट कर ली हैं। अब इसके एक्स्ट्रा पार्ट को हम हटा देंगे। अब हम एक पूड़ी लेंगे और इसके बीच में स्टफिंग को रखेंगे। स्टफिंग आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो ये देखिए, स्टफिंग को मैंने बीच में रख लिया है। एक बात का ध्यान रखिएगा, स्टफिंग हमें किनारे नहीं रखना है। अब हम उंगली की सहायता से इसके किनारे साइड पर पानी लगा लेंगे। और उंगली की सहायता से इसको अच्छे से चिपका देंगे ताकि स्टफिंग हमारी बाहर ना निकले। अब हम इसको हाथ पर उठा लेंगे और इसके किनारों को दबाते हुए अच्छे से लॉक कर देंगे। इस प्रोसेस को करना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्राई करते हुए स्टफिंग हमारी बाहर ना आए। अब हम इसके किनारों पर इस तरीके से डिजाइन बना लेंगे। पहले हम उंगलियों की सहायता से इसको दबाएंगे और फिर इसको इस तरीके से मोड़ देंगे और सेम प्रोसेस से हम पूरी डिज़ाइन को इसी तरीके से बनाते जाएंगे। हमें इसको उंगलियों की सहायता से थोड़ा सा प्रेस करना और फिर इसको दबा देना है। इस तरीके से हम जैसे गुजिया में डिज़ाइन बनाते हैं, वही डिज़ाइन हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, डिज़ाइन हमने बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इसके किनारे पर मैदे का घोल लगाएंगे, इसकी दूसरी साइड्स को उसमें अच्छे से जोड़ देंगे। इसको अच्छे से जोड़ेंगे ताकि फ्राई करते हुए ये खुले ना। तो ये लीजिए, हमारी कचौड़ी बनकर तैयार है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसके लिए कढ़ाई में ऑयल लेंगे और इसको गर्म कर लेंगे। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। अब हम इसमें कचौड़ियों को डालेंगे। कचौड़ियाँ हम एक एक करके डालेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को हम धीमा कर लेंगे और इनको धीमी आंच पर खस्ता होने तक फ्राई करेंगे। देखिए, एक साइड से इनका कलर चेंज हो गया है। अब हम इनको पलट देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से सिक जाएं। बीच में हम 1 से 2 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और फिर धीमा कर देंगे। तो ये लीजिए, टेस्टी और चटपटी खस्ता आलू की कचौड़ी बनकर तैयार है। आप इनको चाय और सॉस के साथ एंजॉय करें। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय।